विदेशी खाद्य तेल बाजारों में आ रही मजबूती के चलते आगे भी जोरदार तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते मंगलवार को केएलसी शुरुआत 6% की तेजी के साथ हुई थी। वहीं चीन के डालियन एक्सचेंज पर भी सोया और पाम तेल में 8% की जोरदार तेजी देखने को मिली। मलेशिया में ये तेजी 3 महीने में सबसे बड़ी एक दिवसीय तेजी है। वहीं केएलसी और सीबोट के बीच भाव में अंतर फिर $560 का हो गया है, जिसके कारण भी सेंटिमेंट को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। इधर भारतीय बाजारों में भी विदेशी तेजी का प्रभाव देखने को मिला है और प्लांटों द्वारा कम दामों पर बिकवाली रोक दिए जाने के साथ ही कीमतों में तेजी आ रही है। सोया तेल इंदौर एक बार फिर से बढ़कर 1290 से 95 रुपये, तो कुछ प्लांट 1300 रुपये प्रति 10 किलो तक भी बेच रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि चीन में कोरोना नियमों में ढील से बाजार का रुख बदला है। वहीं इंडोनेशिया में 1 से 15 जनवरी तक सीपीओ संदर्भ मूल्य $858.96 पर निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि विदेशी बाजारों में तेजी का असर फिलहाल भारतीय बाजारों पर होता दिखाई दे सकता है और खाद्य तेलों में तेजी आगे भी बरकरार रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।